नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेरी लापचिक वीडियो में। बिकॉज आ चुका है आपका भाई बुल्ला, जानकारी लेके इवेंट अपडेट की खुल्लम खुल्ला। जैसे कि दोस्तों, फ्री फायर इंडिया कब आएगा, फ्री फायर इंडिया की कंफर्म डेट का एक प्रूफ नहीं, दो नहीं, तीन तीन प्रूफ मुझे पता लग चुके हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्री फायर इंडिया कंफर्म कितनी तारीख को आएगा। गजब। इतना ही नहीं दोस्तों, पिंक डायमंड इवेंट, चैंपियन वॉक इमोट, ब्लू ब्लास्टर बंडल, अपकमिंग ईओगन के इवेंट्स, ग्लूवॉल इवेंट, हमारे गेम की अपकमिंग अपडेट, फ्री फायर की मस्त वाली मीम, बोले तो ये वीडियो जबरदस्त दबदबा रोला जमाने वाला होगा। तो चलिए वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले अब मैं आपको दोबारा वही आइकॉनिक सेलिब्रेशन चैंपियन वॉक इमोट के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि फ्री फायर वालों ने ये कंफर्म कर चुके हैं कि 26 जुलाई को हमारे इंडियन सर्वर में चैंपियन वॉक इमोट का फिटेड व्हील आएगा, जिसमें चैंपियन वॉक इमोट रहेगा। साथ ही इस बैनर में ब्लू ब्लास्टर बंडल दिखाया गया है, जो कि हमें इंडिपेंडेंस डे इवेंट के टाइम में फ्री में मिला था। सो इमोट के साथ में ये बंडल फिटेड व्हील में आ सकता है। पर यार, मुझे ये समझ में नहीं आया, जब इस इमोट को फ्री फायर वालों ने स्पेशली इंडियन सर्वर वालों के लिए बनाए हैं, तो इस इमोट को फ्री में दे देते तब उनका क्या जाता। पर कोई ना, उनको तो पैसा छापना है पैसा, इसीलिए तो फिटेड व्हील में दे रहे हैं। तो गाइस, इस तरह से फिटेड व्हील में 26 जुलाई को ये इमोट आने वाला है। लेकिन एक सेकेंड। वेल गाइस, अब मैं आपको ईवो गन के इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज हमारे गेम में ईवो बनंजा इवेंट आया है। इस इवेंट में ईवो टोकन्स डिस्काउंट में मिलती है। हालांकि जिस ईवो गन के टोकन्स डिस्काउंट में लेना है, वो ईवो गन हमारे पास होना जरूरी है, पर ये भी एक डायमंड खाऊ इवेंट है। हम अपने टॉपिक पर वापस आए तो गाइस, 2 तारीख को नया ईवो वॉलेट आने वाला है ना, तो इस बार ईवो वॉलेट की लीक ऐसी मिली है कि ईवो वॉलेट में ईवो G18 आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अभी हमारे गेम में 2 ईवोगन पेंडिंग है, 1 ईवोगन बनाई जा रही है। तो अगले ओबी अपडेट में हेलोवीन इवेंट आएगा और ये ईवो स्कार 2.0 गोल्ड ग्लेयर फैंटम थोड़ा हेलोवीन की थीम पर बनाई गई है। तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट में हमारे गेम में ये गन आ जाए। ईवो स्कार 2.0 को मैंने अपने विशलिस्ट में लेके रखा हूं। फ्री फायर वालों ने इसे लगभग पूरा बना दिए हैं, बस थोड़ा ही बचा है। तो इसकी एबिलिटी में ये देखो, डैमेज डबल प्लस, रेट ऑफ फायर सिंगल प्लस, रिलोड स्पीड सिंगल माइनस रहेगी। उसके बाद लेवल 5 पर इलिमिनेशन इफेक्ट इस तरह से दिखेगा, फायरिंग इफेक्ट इस तरह से दिखेगा, बुलेट ट्रेल, गन से जब बुलेट निकलेगी तब इस तरह का इफेक्ट आएगा। देन लेवल 6 पर इसकी स्पेशल एबिलिटी ये रहेगी कि कोई एनिमी मूविंग पोजीशन में रहेगा उसे ज्यादा डैमेज पड़ेगा। हाँ, तो मैंने बताया था ना, ये गन पूरी बन के तैयार नहीं हुई है, बस इसका इमोट बचा है। इमोट का आइकॉन भी आ गया है, पर इमोट कैसा है अभी वो रिवील नहीं हुआ है। और हाँ गाइस, ये गन भी लेवल 8 की होने वाली है, जिस तरह से हमें पैराफल के फाइनल शॉट का एनिमेशन 3 दिन के लिए फ्री में यूज करने को दिया गया था। हो सकता है कि ईवो स्कार 2.0 के फाइनल शॉट के एनिमेशन को 3 दिन के लिए हमें फ्री में यूज करने के लिए दिया जाए। फाइनल शॉट का एनिमेशन देखो, हेलोवीन की थीम पर लग रहा है ना, क्या ही खतरनाक दिख रहा है यार। उसके बाद ये रहेगा रिलोड इफेक्ट, इसमें स्पेशल साउंड भी रहेगा। तो गाइस, इस तरह से हेलोवीन के समय अगले अपडेट में ईवो स्कार 2.0 हमारे गेम में आ सकती है। रही बात ईवो एबीसीडी, ईवो AC80 की, तो इसके आने के चांसेस अभी थोड़े कम हैं। जैसे ही कोई चांसेस, कोई लीक मिलेगी, मैं आपको बता दूंगा। प्लस अभी हमारे गेम में ईवो AWM बनाई जा रही है, सो नेक्स्ट अपडेट में इसका जो लुक है वो रिवील हो जाएगा। ये भी हमें पता लग जाएगा कि इस ईवो गन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी एड किए जा रहे हैं, वो कैसे रहेंगे। जैसे कि डबल किल, ट्रिपल किल करेंगे तब उसमें एक्स्ट्रा एनिमेशन आएगा। वो गन जब नीचे पड़ी रहेगी या गन को स्विच करेंगे तब उसमें अलग से एनिमेशन आएगा। ईवो गन पीछे रखी भी रहेगी, साथ ही में जो दूसरी ईवो गन है या नॉर्मल गन हमारे हाथ में रहेगी, उससे किल करेंगे तब भी उस ईवो गन के पीछे से एनिमेशन निकलेगा। देखे ना आपने, इस तरह के अलग अलग फीचर फ्री फायर वाले अपकमिंग ईवो गन में एड करने वाले हैं। सो गाइस, इस तरह से ईवो गन की जानकारी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, मजा आया। एंड यार, मैंने आपको बताया था ना, बहुत से सर्वर पर डेमन स्लेयर के आइटम रिटर्न आ रहे हैं, तो डेमन स्लेयर के डायमंड वाले आइटम तो रिटर्न आ ही रहे हैं। साथ ही डेमन स्लेयर स्पेशल गोल्ड रॉयल भी आने वाला है, जिसमें डेमन स्लेयर की ग्लूवॉल की स्किन, टेंजेंस बंडल रहेगा, डेमन स्लेयर बैकपैक की स्किन, पेन की स्किन, जीप की स्किन, मास्क, अवतार बैनर रहेंगे। तो गाइस, अगर हमारे इंडियन सर्वर पर डेमन स्लेयर के आइटम रिटर्न आ भी जाते हैं, चाहे वो डायमंड के इवेंट में क्यों ना आए, तब हमें ये आइटम गोल्ड रॉयल में या फ्री के इवेंट में देखने को मिल सकते हैं। वाओ। चलो आओ गाइस, अब मैं आपको मेरे मीम के पिटारे से फ्री फायर की बहुत ही खतरनाक, वेरी डेंजरस वाली मीम दिखाऊंगा, जिसे देख के आपको मजा आ जाएगा। चलो।
सोचे कि अब करे क्या, मेरे पास वो फ्री फायर का आईडी था 83 लेवल का, उसको बेच दिया हम अपना दोस्त को, ठीक ना। तो उससे लिए 60,000 रुपया, तो उसमें एक पिस्टल और 8-10 गोली खरीदे। इस मीम को देख करके मुझे एक डायलॉग याद आ गया, पत्थर पे पत्थर मारे तो चिंगारी निकलती, पत्थर पे पत्थर मारे तो चिंगारी निकलती, और फ्री फायर आईडी बेच के सीधे गैंगस्टर निकलते, समझे क्या चॉकलेट। क्या था पता नहीं भाई, पर यार बंदा फ्री फायर की आईडी बेच के गैंगस्टर बन गया, आप लोग ऐसा मत करिएगा। पर ये जो मीम थी बहुत ही खतरनाक थी। वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नहीं करोगे तो समझ जाऊंगा आप लोगों के हाथ गंदे हैं, इसलिए लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा ठीक है याद से। और अगर चैनल पर नए होंगे तो ऐसी अमेजिंग प्यारी सी वीडियो डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आओ गाइस, अब मैं आपको हमारे गेम के अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो 26 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक न्यू मोड एपीपी टीम डेथ मैच आने वाला है, जिसमें आप लोगों को एपीपी का अलग सा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। उसके बाद अगले ही दिन 27 जुलाई को ग्लोअल रॉयल इवेंट आएगा, जिसमें 4 ग्लोअल की स्किन रहेगी। पहली है प्रोटेक्शन वो द विस्प, दूसरी है उडन केबिन, तीसरी है डेमोनिक ग्रीन, चौथी है टेक्नो जॉय। इस ग्लोअल रॉयल में डेमोनिक ग्रीन ग्लोअल की स्किन आई है, जो कि समुराई बंडल की थीम पर ही बनी है समझो। सो ये हो सकता है कि जोंबी समुराई बंडल का इवेंट भी हमें जल्द ही रिटर्न देखने मिले। अरे देवा। फाइनली गाइस, रही बात पिंक डायमंड की, तो आप लोगों से ही एक क्वेश्चन है, जो बंदा फ्यूचर से ये वीडियो देख रहा होगा 2026, 27, 2030 से, वो लोग कमेंट में बता दो कि पिंक डायमंड आया कि नहीं आया, क्योंकि हमारे इंडियन सर्वर के भाई लोग 5th एनिवर्सरी से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक पिंक डायमंड इंडिया बांग्लादेश सर्वर पर नहीं आया है। 7th एनिवर्सरी भी खत्म होने ही वाली है, किसी और सर्वर में भी 7th एनिवर्सरी में पिंक डायमंड नहीं आया, सो 7th एनिवर्सरी में भी नहीं आएगा। अब गाइस बस एक ही आस है कि फ्री फायर इंडिया जब आएगा, तब हमें फ्री फायर इंडिया फ्री इवेंट स्पेशल पिंक डायमंड इवेंट देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर, कि फ्री फायर इंडिया कब आएगा, क्योंकि 31 अगस्त 2023 को फ्री फायर वालों ने अनाउंस किए थे कि 5 सितंबर को फ्री फायर इंडिया आएगा, फिर 4 सितंबर को बोले कि नहीं नहीं टाइम लगेगा, फिर हमें तारीख पर तारीख मिलते गई, जैसे कि नवंबर में आएगा, नहीं नहीं 1 जनवरी को आएगा, नहीं नहीं 26 जनवरी को आएगा, नहीं नहीं भाई लोग फ्री फायर जिस दिन बैन हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन, उस दिन फ्री फायर इंडिया आएगा, मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, भाई अगस्त आने लगा, सितंबर को 1 साल हो जाएंगे, अभी तक फ्री फायर इंडिया की कोई भी लीक नहीं मिली है। पर दोस्तों अब आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है कि 5 सितंबर 2024 को फ्री फायर इंडिया आने वाला है, बिकॉज फ्री फायर वालों ने जिन बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ कोलैब करके 5 सितंबर बोले थे, वो अब सच्चा होने वाला है। साथ ही फ्री फायर वालों ने हमें जो क्लिप दिखाए थे 5 सितंबर को आएगा, उसमें कहीं पर भी 2023 लिखा नहीं था, हो सकता है 2024 के लिए रहा हो। चलो ये सब छोड़ो, अगर मान लो 5 सितंबर 2024 को ही फ्री फायर इंडिया आने वाला होगा, तो उसका पहला प्रूफ ये होगा कि नॉर्मली जो रैंक सीजन होते हैं बीआर के, सीएस के, वो स्टार्ट होते हैं 1 तारीख को, लेकिन जो आने वाला बीआर रैंक का सीजन 41 है, वो स्टार्ट होगा 4 सितंबर को। उसके बाद दूसरा प्रूफ ये होगा कि 4 सितंबर को ही OB46 का अपडेट आने वाला है, तो 4 सितंबर को OB46 का अपडेट आएगा, अगले दिन फ्री फायर इंडिया आ जाएगा। तीसरा प्रूफ बहुत ही बड़ा है कि फ्री फायर वालों ने फ्री फायर इंडिया के लिए बहुत सी वेबसाइट बनाए हैं, हाल ही गेम में रिडीम कोड की वेबसाइट दिए हैं, उनके हर वेबसाइट के URL में garinaindia.com है, जिसका पहले IP एड्रेस योटा डेटा सेंटर नवी मुंबई का था, हालांकि उस IP एड्रेस को फिर से चेंज करके सिंगापुर का कर दिए, लेकिन इससे यह पता चल गया है कि जो सर्वर है योटा डेटा सेंटर में फाइनली शिफ्ट हो चुके हैं। शुरू में बताया था ना, फ्री फायर वालों ने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ जो वीडियो बनाए थे 5 सितंबर को आएगा, उसे अब सच्चा साबित करने का टाइम आ चुका है। तो अगर सितंबर में फ्री फायर इंडिया आता है, तब अगस्त में फ्री फायर वाले अनाउंस कर देंगे कि फ्री फायर इंडिया इतनी तारीख को आएगा। तो गाइस अगर मुझे और कोई न्यूज मिलती है तो फटाक से वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी, कोई सवाल होगा आपका कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा।